कम्युनिस्ट पार्टी वार्ड नंबर 55 के मोहल्ला इश्तेफाक नगर में नाली खड़ंजे टूटे पड़े हैं। रास्ते में पानी व गंदगी के अंबार लगे हैं, जिससे भयंकर बीमारी फैल रही है। गली में कोई सफाई कर्मचारी तक नहीं आता है। उप संबंध में संबंधित सभी उच्च अधिकारियों को अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस मोहल्ले में कहीं पर भी नाले खड़ंजे का कार्य नहीं कराया गया है। गरीब मजदूर लोग इलाज कराने हेतु डॉक्टर के पास जाकर लुट रहे हैं। रास्ते में रुके हुए पानी व गंदगी के कारण मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी फैलने को भी नहीं नकारा जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि वार्ड नंबर 55 के मोहल्ले इश्तेफाक नगर में जांच कर अधिकारी ईमानदारी से बिना भेदभाव के मुस्लिम बस्ती में नाले खड़ंजे बनाने का आदेश दे। ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ की सफाई, अगर बीमारी हुई या वहाँ कोई भी मच्छर डेंगू अगर हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम और यहाँ के लोकल प्रशासन पर होगी। आज हम चाहे थोड़े से सही, लेकिन आज ये कहना चाहते हैं कि जितनी सफाई का ढोल मचा रखा है, ये जो नालों की सफाई और ये कोई सफाई नहीं हो रही। अगर आप जाकर के ईमानदारी से देखेंगे तो गोलोकुआ से वो सीधे चले जाइए, भूमिया का पुल, इत्तफाक नगर, शाम नगर और ये सारे मजीद नगर और ये सारे फतल्लेपुर रोड तक कोई सफाई नहीं हो रही है। सारा वहाँ जो है बीमारी फैलने का डर है और वो गलियों के अंदर पानी भरा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल से विजय वर्मा की रिपोर्ट।